नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। मेट गाला कार्यक्रम में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट ने भाग लिया था। जी हां, वहीं दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में नजर आई थी। अब नीना गुप्ता ने इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिन उन्होंने कहा है कि इन तीनों को देखकर उन्हें जलन महसूस हो रही है। जी हाँ, नीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस को इंटरनेशनल कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाने पर अपनी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि यंग जनरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। जी हाँ, उन्होंने और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को जिस प्रकार का ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, काश हमें भी अपने जमाने में मिला होता। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जलन होती है जब वे इन एक्ट्रेस को ऐसे कार्यक्रमों में देखती हैं। गौरतलब है कि दीपिका पादुकोण 95th ऑस्कर अवार्ड समारोह में बतौर प्रेजेंटर उपस्थित हुई थी। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को मेट गाला कार्यक्रम में भाग लेते हुए भी देखा गया। नीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि काश हमें भी इस प्रकार का एक्सपोजर मिला होता। मैं इसे हर मिनट के साथ सोचती हूँ। मैं उनको देखकर जलन महसूस करती हूँ। अगर मैं उनके जैसे जवान एक्ट्रेस होती तो बहुत कुछ अचीव कर पाती। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको सब कुछ नहीं मिलता। मुझे जो कुछ मिला है मैं उसके लिए आभारी हूँ। लेकिन जब मैं उन्हें लंबे लंबे गाउन पहने हुए रेड कार्पेट पर वॉक करते हुए देखती हूँ तो मुझे जलन होती है। नीना गुप्ता ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया तो वे अपनी बेटी मसाबा गुप्ता द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस पहनकर वॉक करेंगी। जी हाँ, नीना गुप्ता को हाल ही में मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में देखा गया था। उन्होंने हाल ही में चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली की शूटिंग भी पूरी कर दी है। इसके बाद वो मेट्रो इन दिनों की शूटिंग में भी बिजी चल रही हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।